हेलो दोस्तों, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों आज दी इस वीडियो विच बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वैल्यू एजुकेशन की गल करांगे। एनटीटी दे टॉपिक दे विच जिहड़ा वैल्यू एजुकेशन दिता गया, इहदे विच इह दस्सिया गया कि एक वैल्यू हुंदी है, हर एक चीज़ की वैल्यू हुंदी है, चाहे कोई भी चीज़ है, चाहे मार्केट ही लगा लो, इसकी भी एक वैल्यू, अपनी लाइफ की एक वैल्यू, हर एक चीज़ की वैल्यू है। ठीक है, आपां गल करनी है वैल्यू एजुकेशन की। ठीक है, एजुकेशन वैल्यू की हुंदी है हर एक चीज़ की। देखो, हर एक व्यक्ति है जिहड़ा, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होंगी है, उसने अपने जीवन में कुछ ना कुछ मुल जो है निर्धारित किए होंगे ने कि लाइफ के ये चीज़ा करनिया, ये चीज़ा नहीं करनिया, ये कारण उसकी वैल्यू जी वधूगी। तो आप जो इस सारी मैं थोड़ा डेफिनेशन भी इसकी वैल्यू दसूँगा भी की होंगी है, तुम समझ जाओगे सारिया गल्ल, सारे तो दसूँगा भी किन्ने तरह के वैल्यू होंगे, उस टाइप्स भी तुम्हें पढ़ाऊँगा, तो सारिया गल्ल जो क्लीयर होंगे जानिया। बस तुम वीडियो में एंड तक सुनना, ध्यान ना सुनना, तो सारी गल है जी चंकी तरह समझाइए। हाँ, कुछ बुक्स के जोड़ा वैल्यू एजुकेशन बारे जरूर पढ़ने मिलेगा, बट तुम एक गल दस देव कि बुक्स के काफ़ी डिटेल गल् लिखी होने जो कि तुम्हें कन्फ्यूज कर सदियाँ। इस करके सिंपल भाग के लिए वैल्यू एजुकेशन का जो टॉपिक है वो लैके आए, ताकि हर जो है ईजीली समझ सको कि होंगी की है। इस ज़्यादा कुछ नहीं हूँ, तो कन्फ्यूज करने वास्ते बुक्स के ज़्यादा लिखा पाया होंगे कि इदा होंगे कि बच्चे समझ नहीं पाते। तो अच्छ वैल्यू एजुकेशन का जी वीडियो के मैं तुम्हें जो भी गल् दसूँगा सिंपल भाष के ने, पंजाबी दे भी सारे गल्ल सिंपल दस रहा है, तो भी की होंगे इंग्लिश के जरूर लिखा, बट समझाऊंगा तो पंजाबी सिंपल है जो अपना कहें देसी भाषा के। जे मैं बस गल कर देंगे कि वैल्यू की होंगी है, पहला की मुल की होंगे, किस चीज़ का कदरा कीमत आप इस कह सकते हैं भी की होंगे। ठीक है, ये जिम्मे डेफिनेशन लिखी हुई है, वैल्यू इज दैट वट सैटिस्फाइज सैटिस्फाइज ह्यूमन डिजायरस। ठीक है, डिजायरस का तुम्हें पता भी अपनी इच्छावं होंगे ने। ठीक है, सैटिस्फाई की होंगे अपना की होंगे, किस चीज़ को सैटिस्फाई करना, संतुष्ट करना किस चीज़ को, अजिहे अजे मुल की होंगे, मुल वह होंगे जोड़े साढ़े इच्छावान पूरा करते हैं। ठीक है, अपने जीवन में अपने हर एक दे कोई ना कोई डिजायर होंगे ने। ठीक है, भी मैं आह चीज़ अचीव करनी है, वह चीज़ को प्राप्त करने वास्ते अपने मुल ने जी वो अपनी हैल्प करते हैं। ठीक है, वैल्यू इज दैट वट सैटिस्फाइज ह्यूमन डिजायर, जो ह्यूमन डिजायर को पूरा करते हैं वो अपने मुल ने। ठीक है, सिंपल जी गल है, जो अपने मुल ने तो जो डिटेल करूँगा तो सारी गल क्लियर। ये एक डेफिनेशन की दी हुई अर्बन नाम का एक विद्वान होया उसने दी है भी जड़िया कीमत साढ़े की मनुखी इच्छावान पूरा कर दें ने, वो की है वैल्यू ने। ठीक है, लाइफ हैज़ एक अगे भी है, लाइफ हैज़ ए वैल्यू ओनली वैन इट हैज़ समथिंग वैल्यूएबल एज इट्स ऑबजैक्ट। कहते जी लाइफ आता ही वैल्यूएबल आ, जे आप कह सकते भी ता ही वैल्यूएबल आ गई लाइफ, लाइफ ता ही वैल्यू आदि जे आप कोई वैल्यूएबल होगी, या फिर कोई ऑबजैक्ट होगा, जो उद्देश रख्या होगा आप कोई अपने जीवन में कोई ना कोई अपने मुल निर्धारित किए होंगे ने भी हाँ मैं मुलों को हासिल करना, जो कदर कीमत ने जी उन्होंने प्राप्त करते जाना, हौली हौली अपने जो मेन अपना कहने भी गोल है वो तक पहुँचना होंगे। ठीक है, तो मेन अपना की ऑबजैक्ट होंगे, हर एक व्यक्ति ने जो अपनी लाइफ के कोई ना कोई उद्देश रख्या होंगे, जो कोई बिना उद्देश तो चल रहा तो उसकी लाइफ है जी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इस करके हर एक व्यक्ति की ता ही लाइफ है जी वैल्यूएबल आ जो उसका कोई ऑबजैक्ट होगा। ठीक है, उसकी लाइफ वैल्यूएबल होगी जो उसका कोई वैल्यू निर्धारित किया होगा। नथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ बीन अकम्पलिश्ड अकम्पलिश्ड विदाउट पैशन एंड विदाउट वैल्यू। ठीक है, जिन्ना चर व्यक्ति के अंदर कोई जनून नहीं हैगा, ठीक है, कोई जनून पैशन होंगे कुछ करन दा जनून होंगे अपने सवार, तो विदाउट वैल्यू होंगे मुल, मैं तुम दसा कदरा कीमत भी लाइफ आ जी कंप्लीट नहीं हैगी। ठीक है, जे व्यक्ति के अंदर मतलब कि उसने कोई जनून नहीं रखा हो आ चीज़ प्राप्त करे, जो कोई मुल नहीं निर्धारित किया हो मुलों के अकॉर्डिंग जेड़े ये कदर कीमत के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में जाना। सिंपल भाषा के भी हर एक व्यक्ति ने कोई ना कोई जी कदर कीमत कोई ना कोई मुल किस चीज़ का निर्धारित किया हों, मैं अचीव करना कोई ना कोई वह होंगे गा जनून होंगे भी इस चीज़ को अचीव करना, वो जे उन्हें कोई पैशन नहीं रखा हो कि वैल्यू नहीं रखी हुई अपनी लाइफ के तो उसकी लाइफ है जी बिना मतलब कि आप कह दें लाइफ मतलब कि ऐदा ही जी रहा, कोई लाइफ का मकसद नहीं है। हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई पैशन होंगे कोई ना कोई वैल्यू होंगी है, ये डेफिनेशन है हीगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, भी हर एक व्यक्ति ने लाइफ में कुछ ना कुछ जरा अगे वधन वास्ते अपने मुलों निर्धारित किया होंगे। अगे गल करते हैं एजुकेशन वैल्यूज, एजुकेशन वैल्यूज आर रिलेटड टू दूज एक्टिविटीज विच आर गुड यूजफुल एंड वैल्यूएबल। गल करते हैं एजुकेशन वैल्यूज कि होंगे नहीं है दैट रिलेटड कि होंगे ने उन्होंने एक्टिविटी रिलेटड जो अपने वास्ते गुड होन की होनी जी गुड होन, तो अगर गल करते हैं यूजफुल होन एंड वैल्यूएबल होन। ठीक है, सिंपल जी गल करते हैं जो गुड होन यूजफुल होन एंड वैल्यूएबल जिनकी कोई कीमत हो जो साढ़े वास्ते फायदेमंद होना। ठीक है, तो जो चंगी होना
हर कि असल में उही चीज़ आ भी आप अपने जीवन में उन्होंने कदर कीमतों को अपनाने उन्ना उ मुल आप जो अपने लिए आप निर्धारित करते हैं भी जेडे अपनी लाइफ में बेहतर बनाने अपन खुशी देन आप सोचिए भी हाँ जिन्होंने हासिल करके अपने की है अपन चंगा लगे अपन खुशी मिले ठीक है की होंगे मुल भी जिन्होंने प्राप्त करके सू खुशी मिले संतुष्टि मिले वो की होंगे मुल होंगे। अगे गल करते हैं टीचर्स एंड स्टूडेंट्स पार्टीसपेट ओनली दूज एक्टिविटीज विच आर एजुकेशनली यूजफुल अस जे बच्चे तो अध्यापक नहीं कहते सिर्फ उन्होंने एक्टिविटीज पार्टीसपेट करते जेडे उन्होंने वास्ते की हो यूजफुल हो फायदेमंद हो जिन्हें चीज़ा रही उन्होंने पता लगी भी हाँ लाइफ में सूँ कुछ देखो एक टीचर है जोड़ा सिर्फ उ जेडे आप कदर कीमत जो मुला निर्धारित करूंगा जो बच्चे चेंज लिया बच्चे की बेहतरी वास्ते उस कुछ कर जो बच्चे भी की आ उन्होंने मुला हासिल करे उ मुल जब कह सकते हैं भी उन्होंने मुल जो टीचर दसदा कि उन्होंने ही हासिल करने जो वास्ते फायदेमंद हो बच्चा जो देखो रिस्पैक्ट करता टीचर की उन्होंने पता भी रिस्पैक्ट आ जी टीचर की जो करेगा टीचर तो होर भी बेहतर सीखेगा अपने बड़ों का जो आदर सत्कार करेगा बच जो है भी उसको उन्होंने तो कोई सीखने मिलेगा समाज भी सच बोलना सारे कह सकते आप भी सच बोलना हो गया जो है भी शांति रखनी ये सारे गल्ला जीडिया ये चंगे मुला के ही आप कह निशानी भी चंगे मुल ही ने। अगे आप गल करते हैं टाइप्स की कि तरह की जो वैल्यू होंगी वैल्यूज होंगे सबन पता है भी अपने अपनी लाइफ के कुछ ना कुछ बेहतर बनाने वास्ते कुछ ना कुछ अपने मुल निर्धारित किए होंगे ने भी हाँ ये साड़ी लाइफ में बेहतर बना सकता है इन्हों के अकॉर्डिंग साड़ी लाइफ आ जी चंकी चल सकती है जिम्मे गल करते हैं मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज ठीक है ये कह रही भी नैतिक मुल्यों संबंधित हो गए सबन पता ही होगा जिमें आप इतने गल करते हैं साइलेंस साइलेंस की होंगे शांति हर एक व्यक्ति अच्छ देखो अपनी लाइफ के शांति चाहता वो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहता हर कोई चाहता भी हाँ समाज में शांति बनी रहे सारा मेनटेन है जी चंकी तरह बैलेंस आ जो समाज में बने रहे लड़ाई झगड़े ना हो इस करके साइलेंस आ गया इस अगे आ गया नॉन वायलेंस यही होगा भी लड़ाई झगड़े कोई नहीं चाहता हर कोई शांति ही चाहता ठीक है ये पहला आ गया मॉरल एथिकल वैल्यूज भी साइलेंस चाहता हर कोई नॉन वायलेंस चाहता भी कोई किसी से जो कुटमार नहीं करना चाहता हर कोई चाहता जो कोई लड़ाई झगड़ा होंगे उसको शांति ना बैठ के आप सुलझा सकी। नैक्सट गल करते हैं रिस्पैक्ट टू अदरस दूजे की जो है रिस्पैक्ट करनी ये भी यही की है मॉरल वैल्यूज के आता है भी सब कोई चाहता है भी बड्डियां का आदर करिए अपन पेरेंट्स भी इस कहें टीचर भी इस कहें भी बड्डियां का सत्कार करो छोटियां नूं प्यार करो है ना। अगे आप गल करते हैं ट्रुथ सच्चाई के उपर चलता है ठीक है भी सच्चाई अपन जो हर एक लाइफ के अपन सच्चाई है जी रास्ते उपर चलना चाहिए। नैक्सट गल करते हैं टू स्टॉप बैड थिंग्स दूजी गल करता है भी जे जो बैड थिंग्स ने जड़ियाँ गलत आप कह सकते काम ने जोड़े जब आप कह सकते गलत हरकत ने उन्होंने बंद करना जो समाज लिए बुरे काम आप कह सकते भी बुरे कामों स्टॉप करना उन्होंने रोकना ये सारिया मॉरल के एथिकल वैल्यूज़ के आ जाते हैं। अगे गल करते हैं रिलीजियस वैल्यूज़ रिलीजियस वैल्यू क्या धर्म न संबंधित हो गए जीडिया देखो धर्म आ जोड़ा ये तो है नहीं हर एक धर्म आ जो व्यक्ति जो चंगे ही आप कह सकते कदर कीमत सिखा उसनों जो सच्चाई के रास्ते उपर चलन का राह दिखाता भी उसमें दसदा भी उसकी लाइफ असल देखो मैं इतने लिखा हुआ इन दिस होगा मतलब धर्म के दसा आता परसन लर्न वट वैल्यू ऑफ लाइफ ये परसन सीखता गा भी वट लाइफ वट वैल्यू ऑफ लाइफ भी व्यक्ति की जिंदगी की कीमत है ठीक है आप इतने कीमत कह सकते मुल भी कह सकते व्यक्ति की लाइफ का की मुल है ठीक है दसदा धर्म धर्म दसदा भी अपने लाइफ में किस तरह सिंपली जी सिंपल तौर पर जीना गा दूसरों के प्रति दया भावना रखनी है हर एक धर्म यही दसदा भी अपन जो रब की रजा के रहना चाहिए अपन जो किसी भी कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए यही धर्म अपन सिखाता चंगी गल् ही सिखाता भी अपन दसदा भी अपनी जिंदगी की कीमत जो है जिंदगी की कीमत की है असली यही दसदा धर्म। अगे सोशल वैल्यू की गल करिए आप समाजिक कीमत की गल करिए समाज की कीमत देखो कि हो सकती आप देखो समाज में खुद रहने आपको पता जी आप समाज आप रह रहे हैं तो समाज के लिए आप की आ पहले सब तो पहले आप सोचोंगे समाज में बेहतर बनाया जा सके आप इतने रहना गा तो समाज जो चंगा होना चाहिए बेहतर होना चाहिए ठीक है टू मेक सोसायटी बैटर ठीक है समाज में चंगा बनाने बारे जे सोशल वैल्यू के पहली गल होंगी भी आप समाज में बेहतर बनाना यह अपन सिखाया जाता है। अगे एडजस्टमेंट आप चीज़ सीखते हैं समाज में सब तो वधिया गल सीखते हैं एडजस्टमेंट कोई व्यक्ति है जो एडजस्टमेंट है यही नहीं है भी जन्म से सीख के आंदा हौली हौली वो समाज में एडजस्ट रहना हर क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो सुभाग आको जहा नहीं होंगे दूजा तो अलग है इस करके एडजस्टमेंट करनी पैंती है अपन पता नहीं किस तरह की जो एनवायरमेंट देखो एक व्यक्ति है उसको जॉब के लिए पता नहीं कितने जाके जो जॉब मिलती है उसको उस एनवायरमेंट एडजस्ट होना पैंता अलग लोगों के एडजस्ट भी समाज के एडजस्ट देखो कई बार होंगे भी आप
कई चीज़ा चाहते हैं बट समाज उस चीज़ को एक्सैप्ट नहीं करता बट आपको एडजस्ट होना पैंता समाज के अकॉर्डिंग कई चीज़ों के इस करके एडजस्टमेंट सिखाई है सानू ठीक है वह सोशल वैल्यूज़ के आ गया अगे आ गया रिस्पोंसिबिलिटीज रिस्पोंसिबिलिटीज आप समाज में रह के ही सीखते हैं समाज है जो सानू रिस्पोंसिबल बनाता गा भी तैं आ काम करना आ काम नहीं करना भी ये चंगे काम ने तुहाडे लई भी समाज है रिस्पोंसिबल भी तू लाइफ दे विच जे तू जाना तैनू काम भी करना पऊगा तैनू अपने जिहड़े समाज दे नियम बने हुए ने उन्हां दी पालना भी रिस्पोंसिबल बनाउंदा व्यक्ति है जिहड़ा भी आपां कहिंदे उहदी आजादी आपां वैसे वह नहीं है भी आजादी जमी खोह लैंदा भी एक जिहड़े गलत कम्मां तों रोकण वास्ते उस बंदिश लाउंदा उसकी आजादी नूं ठीक है रिस्पोंसिबल बनाउंदा व्यक्ति नूं भी तैं आ काम करना फैमिली प्रति यह जी रिस्पोंसीबिलिटी अपन फैमिली की स्टार्टिंग होती है भी बच्चा जो हौली हौली पहले स्कूल के भी रिस्पोंसीबल होता है मैं वर्क करना अपना आम काम नहीं करना देखो ना रिस्पोंसीबल होता भी टीचर उसको काम देता है हौली हौली रिस्पोंसीबिलिटी समाज के असल में जाके उसको रिस्पोंसीबिलिटी की असल मीनिंग पता चल गया अगे गल करते हैं एसथेटिक वैल्यूज एसथेटिक वैल्यूज आप कह सकते भी सुंदरता संबंधित आप कह सकते सुंदरता संबंधित कीमत जुल आप कह सकते देखो तुसी इत्थे कहोगे भी सुंदरता ना संबंधी भी अपन देखो जिहड़ी चीज़ है जिहड़ी अपन इंजॉय इट्स प्रोवाइड इंजॉयमेंट जिहड़ी चीज़ अपन इंजॉय कर मतलब कि आप देखो रहने समाज विच तां इह नहीं है सिर्फ आप बंदिशां दे विच रह के अपन मतलब लाइफ नूं बोरिंग बनाउणा लाइफ दे नूं कुछ जिहड़ा शांति भी चाहिए उस नूं मनोरंजन भी चाहिए तो एसथेटिक वैल्यू होंदे जो सानूं इंजॉयमेंट वास्ते थोड़ा जिहा आप रिलैक्स फील कराने वास्ते होंदियां ने ठीक है ये भी चाहिए कहते इंजॉयमेंट ना रिलेटेड आ गया रिलेटेड टू इमोशन अपने इमोशन ना देखो आप कई बार ये हों व्यक्ति जरा संगीत सुन के अपने आप में जरा रिलैक्स फील करता संगीत रिलेटेड आ गया होर भी मनोरंजन के साधन जो अपन चंगा फील करवाने ने अपने जो इमोशन ना जुड़े हुए हैं वह सारे एसथेटिक वैल्यू के आने अगे गल करते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज कि होंगे ने यह तो सबन पता भी डेमोक्रेसी अपने इंडिया के डेमोक्रेसी किसकी डिमांड करती है डेमोक्रेसी के सारे लोगों की जो होंगे आप कहने सरकार होंगी है तो मतलब सारे लोगों की इतनी गल हो रही है तो सारे लोग इक्वल की गल होगी इक्वलिटी की गल होगी तो ओबियसली हर एक व्यक्ति ने जो आप कह सकते भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखा जाता तो डेमोक्रेसी वैल डेमोक्रेटिक वैल्यू अपन की कहूगी एकता की गल कहूगी भी अपने यूनिटी के रहना किसी ना किसी तरह का डिस्क्रिमीनेशन आप नहीं करना देखो नो डिस्क्रिमीनेशन अमंग परसन ऑन द बेसिस ऑफ सैक्स लैंगुएज रिलीजन कास्ट भी किसी ना लिंग के आधार पर धर्म के आधार पर या कास्ट के आधार पर आप कोई भी आप कह सकते डिस्क्रिमीनेशन भेदभाव नहीं करना देखो दोबारा तो रिपीट कर सो वैसे टॉपिक इंट्रस्टिंग भी है ठीक है तुहाडे लिए क्योंकि बेहतरी वास्ते फायदेमंद बच्चों क्यों जोड़ा गया ताकि बच्चों में आप चंगी कदर कीमत जो है दे सके बच्चों भी समाज में बेहतर चंगे नागरिक बन के उभर सकन दोबारा तुम करवा कि वैल्यूज दैट वट सैटिस्फाइज ह्यूमन डिजायर जो व्यक्ति की इच्छावान पूरा करती है वह की है वैल्यू आ लाइफ हैज़ ए वैल्यू ओनली वैन इट हैज़ समथिंग वैल्यूएबल एज इट इट्स ऑब्जेक्ट जो यदा कोई की होगा कोई उद्देश होगा वो साड़ी लाइफ है जी वैल्यूएबल आ नथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ बीन अकम्पलिश्ड विदाउट पैशन एंड विदाउट वैल्यू साड़ी जी जिंदगी है वो विदा की है कि आप कह सकते भी नथिंग वर्ल्ड कुछ भी नहीं है संसार भी कुछ भी नहीं है जे साडा कोई ना कोई पैशन नहीं है कोई साड़ी वैल्यू नहीं है आप कोई कदर कीमत तय नहीं की हुई खुद वास्ते कोई अपने अंदर कुछ पाने का जनून नहीं है पैशन नहीं है अगे गल करते हैं एजुकेशन वैल्यूज आर रिलेटड टू दूज एक्टिविटीज़ ठीक है आप एजुकेशन वैल्यूज की गल करते हैं वो होंगे जिन्हें रिलेटड हो कि एक्टिविटी ना विच आर गुड यूजफुल एंड वैल्यूएबल जो गुड हो यूजफुल एंड यू आर यूजफुल हो गुड हो एंड वैल्यूएबल हो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स पार्टीसपेट ओनली दूज एक्टिविटीज़ विच आर एजुकेशनली यूजफुल जिड़िया कि आप कह सकते एजुकेशनल तौर पर कि उन्हें यूजफुल होने वास्ते अगर आप टाइप्स करें इस वैल्यूज की देखो मॉरल तो एथिकल वैल्यूज जिहड़े चंगे बनाने वास्ते व्यक्ति जिवें पहला आ गए साइलेंस नॉन वायलेंस रिस्पैक्ट टू अदरस ट्रुथ एंड टू स्टॉप बैड थिंग्स ये आ गए नैक्सट आप गल करते हैं रिलीजियस वैल्यू की रिलीजियस वैल्यू धर्म ना संबंधित सी तुहानू दस्सी भी धर्म है जिहड़ा हर एक व्यक्ति जो चंगा बेहतरी वास्ते ही कम जो आप कहते आया सी भी व्यक्ति जिहड़ा एक चंगा जीवन जी सके उसनू उसकी लाइफ बारे जाणू करवाउणा सी ठीक है इस दस्सिया ने भी वट वैल्यू ऑफ लाइफ भी व्यक्ति की जिंदगी की कीमत है सोशल वैल्यू की गल करते हैं ये अपन व्यक्ति रिस्पोंसिबल रिस्पोंसिबल बनाया जाता व्यक्ति को एहसास दवाया जाता रिस्पोंसिबिलिटी एडजस्टमेंट सिखाई जाती है रहने की ठीक है अगे गल करते हैं एसथेटिक वैल्यू एसथेटिक वैल्यू तुम दस भी सुंदरता संबंधित जी जो होंगी आप कीमत होंगे ने ठीक है ये सुंदरता संबंधित मतलब कि व्यक्ति इंजॉयमेंट जोड़ा जाता भी व्यक्ति की बोरिंग लाइफ तो थोड़ा जहाँ उसको रिलैक्स फील कराने वास्ते
नैक्सट गल करते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यू। डेमोक्रेटिक वैल्यू की होंगे ने जिद व्यक्ति जो भी कहा जाता भी सारे बराबर ने किसी न किसी भी किसी न किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना, ना ही जाति आधार से धर्म के आधार से लिंग के आधार से, मुंडा कुड़ी भी बराबर ने, कोई भी धर्म का व्यक्ति सारे बराबर ने, किसी न कोई भेदभाव नहीं। होर भी ये कुछ वैल्यूज़ नहीं है, कुछ होर गल नहीं है, वह मैं तुम्हें रेज करके लिखवा दिना, तुम सारे गल्ला नोट कर लिया करो तो सारे रिपीट कराया करो, वीडियो में सुनया करो ध्यान इन्हें, तुम इस नोट डाउन कर सकते मैं रेज कर देना थोड़े टाइम तक तो तुम इस वेख लवो। दोस्तों आप वैल्यू एजुकेशन की गल कर रहे थे, जो आप पहला तो टाइप्स करवाई हैं मैं सारिया, तो कुछ टाइप जो रह गए से आप भी तुम्हें करवा रहे अगे, तो यह ध्यान रखना इस टॉपिक के ज़्यादा तुम्हें जोड़ा बच्चों ने, क्योंकि आपने देखो वैल्यू बच्चों देने ने सही वैल्यूज देने ने, तो इस प्रश्न जोड़ा बहुत जरा कि घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता भी तुम बच्चों किस तरह वो करना, बट ध्यान रखना जो तुम वीडियो में सारा सुनेगा ध्यान तुम हर चीज़ कर लोगे, ये कोई ज़्यादा औखा नहीं होगा। इस तो तुम ये वीडियो में ध्यान ना सुनना, पहला देखो ये इकोनॉमिक वैल्यू आ गया। इकोनॉमिक वैल्यू की हो जो आप समझते भी कि इकोनॉमिक्स ना संबंधित आ गया, ठीक है भी पैसे आर्थिकता ना संबंधित आ गया, ये बच्चों की सिखाया जाता है बच्चों ने किस तरह अपनी लाइफ के जोड़ा गोल अचीव करना इकोनॉमिक तौर पर, बच्चों ने जोड़ा अगर अपनी लाइफ जिमें कहना भी किसी किते अपनाने हेल्प करनी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना बच्चे ने, मतलब कि यह तो है भी है छोटे बच्चों वास्ते, बट हौली हौली ये चीज़ा उन्होंने डिवेलप करनी भी अपना उन्होंने इकोनॉमिक स्टेट्स किस तरह जोड़ा स्टैंड करना बच्चों भी सिखाया जाता है ये इकोनॉमिक वैल्यूज़ के, ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू के समझ गया भी आर्थिकता ना संबंधित कि वैल्यू होते भी बच्चों जोड़ा इकोनॉमिक तौर पर स्टैंड होने के लिए उनकी हेल्प करनी, उन्होंने दसना कि किस तरह जो है एक अपने जिम्मे उद्योग शुरू करना, तो एक बच्चे इकोनॉमिक जी एजुकेशन का पता होना चाहिए भी हाँ ये ये मटीरियल चाहिए, फिर ही जो इंडस्ट्री है जी अगे डिवेलप हो सकती है। तो ये की होंगे बच्चे जो है कह सकता भी पैसे न संबंधित जो भी किस तरह इनवैसट करना किस तरह उन्होंने थोड़ी थोड़ी एजुकेशन देंदे रहना लाइफ के। अगे गल करते हैं आप हेल्थ वैल्यूज। हेल्थ वैल्यूज क्योंकि बच्चे जोड़ा सेहत न संबंधित आप जी कीमत जो कीमत बारे दसते हैं भी अपनी सेहत है जी आपत की देखो हर अज के समय के सब तो ज़्यादा सेहत का ही ख्याल रखना पैंता, क्योंकि जो एनवायरमेंट इस तरह का पोल्यूट हो चुक है भी बच्चों किस तरह की कोई बीमारी हो सकती है भी बच्चों आप दस दें भी तुम अपनी सेहत को किस तरह साफ सुथरा रखना किस तरह अपनी सेहत वास्ते जो कि डाइट लैनी है, तो सारिया गलों के भी किस तरह की डाइट लेनी किस तरह की जो चीज़ा गल्ला फॉलो करके वो अपनी जी बीमारियों तो बच सकता कि चीज़ा खा के अपनी सेहत को वधिया बना सकता, वो सारे आ गया। अगे आप गल करते हैं सॉरी हेल्थ वैल्यूज तो दो बार हो गया, तो नैक्सट आप गल करते हैं एनवायरमेंट वैल्यूज, ठीक है। एनवायरमेंट वैल्यूज अठ नंबर एनवायरमेंट वैल्यूज की आप गल करिए एनवायरमेंट वैल्यूज वो होंगे ने जो कि वातावरण संबंधित होंगे बच्चों अवेयर करना वातावरण प्रति भी एनवायरमेंट प्रति कि बच्चों को दसना भी ये जो जिमें हूँ अज के समय के हवा पोल्यूट हो चुकी है पानी पोल्यूट हो चुका है सारा कुछ है ना सारी चीज़ें पोल्यूट हो जाए भी बच्चों को आप हौली हौली एनवायरमेंट प्रति अवेयर करना भी अपने आले दुआले की सफाई रखे बच्चों को दसना भी आले दुआले की सफाई रखनी चाहिए, पेरेंट्स उस बारे जो अवेयर करते रहना बच्चों को चंगी गल्लां सिखाउणियां ने एनवायरमेंट प्रति भी हाँ पेड़ पौधे लगा के आप एनवायरमेंट के ऑक्सीजन की जी आप कमी उसनों पूरा कर सकते हैं बैलेंस बना के रख सकते हैं, जो अजक आप कह सकते भी बढ़ रहा है ना तापमान लगातार जो धरती से बढ़ रहा तो इन सारी चीज़ों हौली हौली आप बच्चे के माइंड के इस तरह सैटअप करना कि बच्चा जोड़ा एनवायरमेंट प्रति अवेयर रहे तो उस जो है एक सही बैलेंस बनाने सोसाइटी की हेल्प कर सके। अगे गल करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इंपोर्टेंस वैल्यू ये देखो ये बहुत ही ज़्यादा मेन गल है क्योंकि ये इंपोर्टेंस अपन पता होनी चाहिए वैल्यू एजुकेशन का जो टॉपिक कर रहे हैं इसकी अपन जो इंपोर्टेंस पता की तो ओबियसली इस टॉपिक आप ईजली समझ सकते हैं इसकी आप वैल्यू पढ़ा इंपोर्टेंस पढ़ा वैल्यू एजुकेशन की है तो ध्यान सुना कि वैल्यू एजुकेशन हेल्प्स डिवेलप ए हेल्थी एंड बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, ठीक है। एक परसनैलिटी की करता है डिवेलप करता है जरा जो वैल्यू एजुकेशन, ठीक है। नाम ही वैल्यू भी बंद की वैल्यू बधाई है तो ओबियसली वैल्यू बधाने वो परसनैलिटी भी डिवेलप होगी विकसित होगी, ठीक है। उसके बैलेंस बना, ठीक हो बैलेंस मतलब की होगा भी बच्चा जरा भी जे उसको टाइम के कोई दुख सुख लाइफ के आता तो दुख के सुख के बैलेंस बना के रखे, जे भी मतलब कि यह ना हो कि दुख के ज़्यादा डिप्रैशन हो जाए सुख के इन्ना ज़्यादा मगन हो जाए कि उस दुख नाम का पति ना भी दूसरे ना एडजस्ट ना प्रॉपर, तो बैलेंस बना के रखना, ठीक है। परसनैलिटी के लिए बैलेंस बनाना तो उसको हेल्थी परसनैलिटी देनी है बच्चों जिम्मे तो पढ़ा के हटे भी सेहत बारे जागरूक करना एनवायरमेंट बारे जागरूक करना। अगे गल करते हैं इट डिवेलप वोकेशनल एफिशिएंसी
वोकेशनल एफिशिएंसी की आप गल करिए भी किता मुखी कुशलता बारे उसनू दसना भी उसनू किते प्रति कोई भी जो अपनी लाइफ दे विच किसी तरह का पेशे नू अपनाउंदा किसी किते नू अपनाउंदा उसकी जी उसकी कुशलता नू आपां निखारना ठीक है। कई बच्चे होंगे जिवें पेंटिंग की गल करते आपां एक बच्चा अच्छी पेंटिंग कर रहा है तो आपां ने की करना उसकी पेंटिंग ने जी आपां उसनू की है जो आप कह सकते तारीफ करनी भी ताकि होर उसनू बेहतर बना सके तो वोकेशन एफिकेंसी होगी भी जो होर किता मुखी सीख जो आप कह सकते हैं होर कोई किता अपना सकता बच्चा जो लाइफ के बेहतर हो सके हाथी कोई काम करना। इट मेक्स चाइल्ड चिल्ड्रन सॉरी इट मेक्स चिल्ड्रन आइडियल सिटीजन एक चंगे समाज के नागरिक बनाना बच्चों ये तो बहुत जरूरी है। हर एक जी एजुकेशन वो तो यही सिखाते भी बच्चा जो एक समाज का चंगा नागरिक बने तो ऑब्वियसली वोकेशन एजुकेशन ने एक चंगी आदत ही बच्चे भरने ने तो ऑब्वियसली बच्चा भी एक समाज का चंगा नागरिक बन के ही उभर के आऊगा तो इसने एक व्यक्ति ने की आइडियल सिटीजन बनाना आदर्श नागरिक जो समाज का बनाना। अगे गल करते हैं इट डिवेलप्स करैक्टर एंड मोरैलिटी इन चिल्ड्रन ठीक है। बच्चे की इन्हें करैक्टर डिवेलप करना उसका करैक्टर है जरा सही दिशा के लैके जाना उसकी मोरैलिटी है जी उस नैतिकता जी भरनी है भी बच्चा जरा मोरल दे मोरल बने उस चंगी गल् ने जड़िया उन्होंने अडोप्ट करके अगे लाइफ बदले। अगे गल करते हैं इट एनेबल्स स्टूडेंट्स टू एडजस्टमेंट देयर एनवायरमेंट भी अपने समाज के जो आप कह सकते भी बच्चे एनवायरमेंट के एडजस्ट होना सिखाती है वैल्यू एजुकेशन। देखो इस सारिया गल् इस तरह की ही नहीं भी बच्चा जरा समाज में एडजस्ट ता ही कुछ गल् कुछ सीख के जाऊगा एडजस्ट ये तो है नहीं भी एकदम ही वो जो स्कूल के आया उसने एकदम एडजस्ट होगा हौली हौली एडजस्टमेंट सीखता है उसमें जो गल् पता लगती ने सही कीमतों का पता लगता। इट डिवेलप कल्चर वैल्यू ठीक है जो आप कह सभ्याचारक कीमत ये बच्चे डिवेलप करते हैं वैल्यू एजुकेशन उसमें अपने समाज के प्रति अपने जो विरसे प्रति जागरूक करते वैल्यू एजुकेशन उसको दसते उसके बारे तो बच्चा प्रति जागरूक होंगे। इट प्रमोट्स सोशल एफिशिएंसी सोशल एफिशिएंसी आप कहते हैं समाज के नाल की है समाज के बिच रहन की जी कला वो सीखता बच्चा ठीक है। समाज के रहन की कला भी कहेंगे आप सोशल एफिशिएंसी कह सकते हैं आप इसको देखो ये दे जो असं इंपोर्टेंस की होर भी इंपोर्टेंस तुम खुद ही जान सकते हो भी लाइफ में बेहतर बनाने वास्ते एडजस्टमेंट सीखने वास्ते बच्चे जो लाइफ में बेहतर बनाने वास्ते उस रोजी रोटी के योग बनाने वास्ते सारे गल् कहते वैल्यू एजुकेशन आ जाएंगे। अगर आप गल करते हैं वैल्यूज डिवेलपमेंट थ्रू को करिकुलम करिकुलम एक्टिविटीज जो होंगे ने ठीक है उन्होंने थ्रू आप कि बच्चे जी जो आप वैल्यू जो वैल्यू जी डिवेलप कर सकते हैं जिमें देखो फिजिकल एक्टिविटीज़ की इतने गल हों फिजिकल एक्टिविटीज़ के भी शरीरक तौर पर जी आप क्रियावान करते हैं जिद गेम्स आ गई ठीक है स्पोर्ट्स आ गया इस तुम आप एन सी सी का जोड़ा होंगे एन सी सी थ्रू रोड सेफ्टी के आप रूल दस के रोड क्रॉस के आप दस के एन एस एस होंगी है ये सारे जी चीज़ा फिजिकल एक्टिविटी के आते हैं इन्होंने थ्रू आप बच्चों जो उन्होंने चंगी आप कह सकते वैल्यू वैल्यूज़ भर सकते हैं। अगे गल कर सकते हैं द फाइव एजुकेशन ओलंपिक वैल्यूज ठीक है ये इंपॉर्टेंट आ भी दस सकते भी कि फाइव जो एजुकेशन ओलंपिक वैल्यूज़ ने जो दसिया गई ने पहली आ जॉय ऑफ एफर्ट्स ठीक है फेयर प्ले ठीक है साफ सुथरा खेडना रिस्पैक्ट फॉर अदरस परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस बैलेंस बिटवीन बॉडी विल एंड माइंड भी सारे में बैलेंस बना के रखना पहला है जॉय ऑफ एफर्ट सैकेंड है फेयर प्ले थर्ड है रिस्पैक्ट फॉर अदरस फोर्थ है परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस फिफ्थ है जरा बैलेंस बिटवीन बॉडी विल एंड माइंड ये पांच पॉइंट ने जो याद रखने जो एजुकेशन ओलंपिक वैल्यूज आते अगर आप नैक्सट गल करते हैं स्कूल कि होर चीज़ा ने जीडिया उसके जो वैल्यू एजुकेशन जो आप कह सकते डिवेलपमेंट वास्ते सही नहीं है। देखो एक तो स्कूल है जोड़ा एक आप कह मेन थम हों बच्चे वैल्यूज भारन वास्ते क्योंकि बच्चे ने जोड़ा टाइम स्पेंड करना होंगे अपने फैमिली तो बाद बच्चा कितने आता स्कूल स्कूल के उसू सही वैल्यूज दी जाने ठीक है। एक तो देखो स्कूल हो गया ठीक है एक असैम्बली होगी देखो स्कूल के आ गया असैम्बली होंगी है स्कूल के असैम्बली मतलब कि आप जो प्रार्थना जो जिते बच्चे करते उत्थे उसू वैल्यूज सिखाई जाती भी उसू बोलिया जाए प्रेयर चंगे विचार पेश किए जा सकते हैं चंगे कवितावान थ्रू चंगे गाने थ्रू या फिर कुछ आप कह सकते कोई होर नॉलेज के थ्रू आप कह सकते अगे गल करते स्पोर्ट्स डे मनाए जाने चाहिए स्पोर्ट्स डे मना भी बच्चे में चंगे वैल्यूज आते हैं क्लब जोड़े वो हैल्प कर सकते हैं बच्चे भी चंगे वैल्यू पैदा करने वास्ते। नैशनल डे जो आप मनाने नैशनल डे ठीक है नैशनल डे जो आप मनाने वो भी बच्चे वैल्यू भरते हैं। अगे करते हैं मैगजीन या न्यूज़पेपर भी जो बच्चे आप मैगजीन दिने मैगजीन के आप कई बार होंगे रसाले वगैरह होंगे उन्होंने आप बच्चे खुद भी कही भी तू इस उपर कोई जो टॉपिक के उपर लिख के लैके आता भी बच्चे वैल्यूज ने डिवेलप होंगे। नैक्सट आप गल करते हैं टीचर रोल की है
टीचर का रोल की वैल्यू डिवेल्प करने वास्ते, क्योंकि पहली तो गल भी टीचर में विजन होना चाहिए, मोटिवेशन की जी भावना होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, ये टीचर देने, ठीक है। वैसे तो रोल की है टीचर का, यह मैं वैसे वो करैक्टरिस्टिक्स लिखिया नहीं है, ध्यान रखियो देखो, टीचर का रोल ता ही चंगा होगा जो विजन होगा, मोटिवेशन करेगा, वो स्किल्स एटीट्यूड वैल्यूज एंड बिहेवियर, जो टीचर है सारी चीज़ा सही ने ता ही जो जो बच्चा वो मोटीवेट कर सकता, उसमें चंगे वैल्यूज भर सकता। दोबारा तुम्हें रिपीट करवा देना, ठीक है। भी इकोनॉमिक वैल्यूज केड़े होंगे तुम दस, इकोनॉमिक जो बच्चे जो भी पैसे न संबंधित होंगे इकोनॉमिक, वैसे भी बच्चे जो अपने किते प्रति जो हौली हौली उस इस तरह भर भी रोजी रोटी के योग हो सके, उसमें हौली हौली पैसे की कीमत दस दे जाना भी कि चीज़ के वास्ते बेहतर है। हैल्थ एजुकेशन ने बच्चे हैल्थ प्रति अवेयर करना भी, वो हैल्थ वास्ते कि चीज़ा चंगिया ने, कि चीज़ा माड़े ने, बच्चा जरा भी कि एक्सरसाइज उसमें करनी चाहिए, कि क्रियावं करनी चाहिए, किटिविटीज करनी चाहिए। अगर गल करते हैं आप एनवायरमेंट वैल्यूज की, गल करते हैं भी बच्चे ने जो एनवायरमेंट प्रति जागरूक करना, समाज देखो अज के समय के एनवायरमेंट पूरी तरह पल्यूट होया पाया है ना, तो आप बच्चे इस तरह आदत सिखाने उसमें पेड़ पौधे प्रति भी लगा, पेड़ पौधे लगाने के लिए जागरूक करना चाहिए, पानी साफ सुथरा रखने वास्ते उसमें दसना चाहिए भी किस तरह पानी की साफ संभाल की, हवा को साफ सुथरा किस तरह रखा, ये सारिया चीज़ों के विच आदि। नैक्सट गल करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, इंपोर्टेंस की सी, वेरी इंपोर्टेंट है, देखो जी सारी गल्ला ने, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन हैल्प्स डिवेलप ए हैल्थी एंड बैलेंसड परसनैलिटी, एक तो देखो बैलेंस ते हैल्थी परसनैलिटी, हैल्थी परसनैलिटी बनाने वास्ते जी वैल्यू एजुकेशन हैल्प करते हैं। दूसरी गल करते हैं इट डिवेलप्स वोकेशनल एफिशिएंसी, कितना मुखी कुशलता पैदा करते व्यक्ति विच। अगे इट मेक्स चिल्ड्रन आइडियल सिटीजन, बच्चे की करते एक आदर्श नागरिक बनाते हैं। अगे करते हैं इट डिवेलप्स करैक्टर एंड मोरैलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो उनका करैक्टर डिवेलप करती है तो मोरैलिटी उन्होंने आप कहें नैतिकता पैदा करती है। अगे गल करते हैं इट अनेबल स्टूडेंट टू एडजस्टमेंट देयर एनवायरमेंट, ये बच्चों का योग बनाती है एडजस्टमेंट करने के वातावरण। इट डिवेलप कल्चर वैल्यू, बच्चे की चीज़ है जो सभ्याचारक कीमत पैदा करती है। इट प्रमोट्स सोशल एफिशिएंसी, बच्चे समाज की जी आप कह किता मुखी सॉरी समाज के एडजस्टमेंट होने की आप कह एफिशिएंसी कुशलता वो प्रमोट करती है। इसी के इंपोर्टेंस की अगे गल कर वैल्यू डिवेलपमेंट को करिकुलम के थ्रू कि हो सकती है, जिद फिजिकल एक्टिविटी की को करिकुलम एक्टिविटी थ्रू फिजिकल एक्टिविटी जिद लवेंगे जिद गेम्स स्पोर्ट्स एनसीसी रोड सेफ्टी रोड क्रॉस सॉरी रोड रोड क्रॉस नहीं रेड क्रॉस गलती ना हो गया। तो देखो ये पहले कि चीज़ा गेम्स एंड स्पोर्ट्स एनसीसी रोड सेफ्टी रेड क्रॉस एनएसएस, ठीक है, सारिया ने ची फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू भी बच्चों में एक चंगी आदत जा आप कह चंगी कदर कीमत पैदा कर सकते हैं। द फाइव एजुकेशन ओलंपिक वैल्यूज के जॉय ऑफ एफर्ट फेयर प्ले रिस्पैक्ट फॉर अदरस परस्यूट ऑफ एक्सीलेंट बैलेंस बैटवीन बॉडी विल एंड माइंड, ये गल् ने। नैक्सट गल करते हैं भी स्कूल है जोड़ा कि होर चीज़ा ने जी बच्चे जो आप कह सकते वैल्यू भर सकते हैं। स्कूल आ देखो मेन असैम्बली है, जिस स्कूल असैम्बली स्पोर्ट्स डे मनाने चाहिए, क्लब वगैरह होंगे, नैशनल डे मनाने जो ज मैगजीन वगैरह, यह सारिया भी बच्चे कि ने चंगी कदर कीमत पैदा करते। इस तो बाद गल करते टीचर का रोल की है, टीचर का रोल बहुत ज़्यादा मेन होंगे बच्चे सही कदर कीमत भरने वास्ते, ठीक है। टीचर का रोल वो हेठ लिखिया आप कह सकते भी विशेषतावान होंगे टीचर, विजन होना चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए टीचर के, एटीट्यूड वैल्यूज एंड बिहेवियर सारी चीज़ें डिपेंड कर दी हैं। जे टीचर है फिर ही बच्चे अगे जो मोटीवेट कर सकते चंगी कदर कीमत भर सकते हैं। अज की वैल्यू एजुकेशन जो भी अज की वीडियो इन्ना ही दोस्तों, जिन्नी भी गल्ला ने सारे ध्यान नोट डाउन कर लेना, ठीक है, लिख लेना सो सारी नोटबुक सही सही गल्ला ने जो नोट कर लिया ने, तो वीडियो एंड तक जो सही सुनना गा भी हाँ कि कहा गया, तो इस आधार पर तुम एम सी क्यू करने, ठीक है। अज की वीडियो इन्ने दोस्तों, धन्यवाद।